मिस्टर वालिया कह रहे थे कि उनके पास घर के पेपर्स नहीं और वो इसे बहुत सस्ते में बेचना चाहते हैं। नंदू नहीं चाहता था कि मिस्टर वालिया ये घर बेचें, इसीलिए ये पेपर्स चुरा कर उसने मुझे दे दिया। पर ये वो दरअसल नंदू जैसे के बचपन का दोस्त है। जैसी इस घर में पैदा हुई बड़ी हुई, इस घर की हर ईंट हर दीवार में जैसी की यादें जुड़ी हुई है। मैं जब भी इस घर में आता हूं तो मुझे लगता है कि जैसी यहीं कहीं आसपास हो गई। जैसी का यहां होने का एहसास इतना इतना ज्यादा है कि हाथ आगे बढ़ाऊं तो लगता है कि मैं जस्सी को छू सकता हूं। सॉरी जेसिका जी, इतने मायने रखते हैं ये घर और जस्सी आपके लिए? जस्सी मेरे लिए कितने मायने रखती है शायद वो भी नहीं जानती। काश मैं उसे बता पाता। तो फिर बताया क्यों नहीं? पहले पहले तो मैं अपने दिल की बात खुद नहीं समझ पाया था, लेकिन जब तक बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जस्सी मुझे छोड़ के जा चुकी थी। ये डॉक्यूमेंट्स अंकल को दिख रहा था जी। अभी देर नहीं हुई अरमान सर, आप अपनी दिल की बात जस्सी को नहीं बता पाए, लेकिन उसके समझ में सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है। किया माफ कर दे मेरे बाप यार। ओके। अरे अरमान, आखिर जो सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा था ना वो आज मैंने कर ही लिया। अंकल जी से माफी मंगवा ली? नहीं, वो मैं तो नंदू के साथ मजाक कर रहा था। आइए आइए, अंदर आइए ना, मुझे वैसे भी आपसे कुछ थोड़ी जरूरी सी बात करनी है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ये आपके घर का मामला है और मुझे शायद बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि घर को बेचने की बातचीत में मैं आपके साथ रहा ताकि आपको इस घर के अच्छे दाम मिल सके। वो सब तो बहुत बात की बात है, अब तो बात यहाँ आकर के अटक गई है कि फिर भी इस घर को बेचने ही चाहिए। नहीं बिल्लू, अब ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ। जैसी जैसी कोई नहीं बेबे, चले तू आराम से बैठ जा और ठंडे दिमाग से एक बात और सोच ले। बिल्लू, मैंने सोच लिया है, मैं ये मकान बेचने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ उसे जिसे मैं चाहती हूँ। कोई खास लोग है क्या? है कोई खास, बस आने वाले ही होंगे। मैडम, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, ये घर तो बेच चुका है। अरे बिल्लू, यही तो है वो जो हमारा मकान खरीदना चाहती है। क्या बेबे, आप हमारे घर में भगवान बनकर के आई हैं? नहीं नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं, सॉरी, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे सीए ने मुझसे कहा है कि टैक्स फाइल करने से पहले मुझे एक घर खरीदना चाहिए, और मेरे पंडित जी कह रहे हैं कि घर में 3 महीने पहले आप शिफ्ट नहीं कर सकते। 3 महीने? नहीं मैडम, पैसे की तो हमें अभी जरूरत है। नहीं प्लीज, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं अभी दे दूंगी। और बेटा, तुमने घर तो ठीक ठाक से देख लिया है ना? मैं एक बार फिर से देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो ये घर तुम्हारा ही है बेटा। एक बात बताओ,
मैं आपको बेटा बोल सकता हूँ? जी जरूर कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये दरअसल गेस्ट रूम नहीं है, मेरी बेटी का कमरा था। जस्सी का? हाँ, दरअसल मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन हमारी एक बेटी थी। जैसे ये बात तुमने मुझे पहले कहने लगी क्यों जैसे क्यों? मैं कैसे कहूँ? मेरी आंखों में आके डाल के कहो कि तुम जैसे नहीं जा सको। अरमान लीव हर अलोन, लीव हर अलोन अरमान। मैं जानता हूँ तुम जैसे अरमान, आई लव यू जैसे। मेरी बात करो जैसे, जैसे प्लीज जैसे। जैसे जैसे ये बात तुमने मुझे पहले कहनी पड़ी क्यों जैसे क्यों? नहीं मैम, मैं जैसे कहा हूँ। जैसे तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्यों तुम जैसी? मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम जैसे नहीं जा सको। जैसे प्लीज अरमान, जैसे अरमान जैसे फिर कई बार तुम्हें अरमान ये घर अलोन। आई लव यू जैसे, जैसे आई लव यू। नहीं घर अलोन अरमान, सब बात आ गया तो तुम जैसी जैसे प्लीज आई लव यू जैसे। जैसे प्लीज मेरी बात करो जैसे, जैसे प्लीज जैसे। नहीं नहीं